कुछ तो बा जौन छिपा रहल बाड़ कुछ तो बा जौन छिपा रहल बाड़ इ कैसन दोस्ताना निभा रहल बाड़ इ कैसन दोस्ताना निभा रहल बाड़ कुछ तो इल्म हमरो बा साजिश के तहरा कुछ तो इल्म हमरो बा साजिश के तहरा बतावो ना इ कुल हमरा से काहे छुपा रहल बाड़ गोर लगातनी हेरा से अभिनंदन बरुआ के अपना कार्यक्रम जनक नाम हो खुटा टोक के आज के दिन खास करके अगर बिहार के राजनीति खातिर कहीं तो बहुत बड़ा दिन रहा है कारण कि बिहार एगो और इस देश में बड़ा परिवर्तन और बड़ा जन मांग होला ओकरा के लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कैल सा जातीय जनगणना के मुद्दा पर आज बिहार के 11 सदस्यीय दल जाकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात कैल सा एकर बहुत पहले से आग्रह कैल गई रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जैसे गरीबा लोग सब जानत नहीं है बात में कोनो नया बात हम नहीं कह नया बात एक बात कह ये बात हम ऐसे कह रहा बनी कि चूंकि भूमिका जरूरी होला और भूमिका में अगर आगे वाला बात के पीछे कड़ी से ना जोड़ल जाओ तो कहीं ना कहीं बात अधूरा रह जाला मुख्यमंत्री के से आग्रह के बाद चिट्ठी लिखल गई और चिट्ठी लिखला के बाद मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से आग्रह कैनी कि हमनी के मिलल चाहत या बिहार के जितना भी राजनीतिक दल बाड़े उ सब मिलल चाहत रे और हमनी के मांग बा कुछ आर्गुमेंट बा रुआ से जौन रुआ पूरा करे कारण कि ई रउए पूरा कर सकिले अगर राज्य के मामला रही तो अतना रुआ के परेशान आ कष्ट हमनी के ना देती जा एकरा के सोचे समझे में प्रधानमंत्री जी के और उनका पूरा कुनवा के 10-12 दिन समय लग गई 10-12 दिन के बाद जब ई बात बुझा गई कि तवज्जो शायद नहीं दिया प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तब एकरा पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी चिट्ठी लिखले और जब तेजस्वी यादव चिट्ठी लिखले तो ओकरा ताड़ा तड़ी में जैसे जवाब आ गई और जवाब आवते ये तय हो गई कि 23 तारीख के 11:30 बजे भेंट हो गई और पटना से दिल्ली लगभग 10 गो दल के 11 गो नेता गए रहे ओकरा बाद अलग अलग तरह के बात आई अलग अलग तरह के बयान आई हालांकि सब बयान में एक बात जरूर समझ में आई कि प्रधानमंत्री ना हो कहले है ना कहले है यानी कि उनका से बातचीत जो भैया तो बातचीत को लौड़ लाठी से ना हुई आग्रह गई है आग्रह पर विचार करे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहनी है लेकिन एकरा पीछे एकरा तह में जौन चपोत चपोत के रखल बा राजनीतिक बात सब ओकरा के जानल जरूरी बा आखिर नीतीश कुमार जी के पूरा डेलीगेट के ले जाए के जरूरत का रहला नीतीश कुमार जी ये भी बात कह सकत रही कि भाई रउआ लोग हमरा भी अहिनी जब उनका लगे सारा विपक्ष मिल करके गई रहे कहे खातिर कि जातीय जनगणना खातिर प्रधानमंत्री से आग्रह कर जाओ तो ओ घड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समझा बुझा सकत रही जबकि एके गठबंधन में दोनों आदमी बानी और ये कहा था कि डबल इंजन बा दोनों मिल के विकास कर रहल बानी तो ऐसा स्थिति में रुआ इस समझ में बात आवत हुई कि मुख्यमंत्री जी बात कह सकत रही कि भाई हो तनी के परेशान काहे बड़ा लोग प्रधानमंत्री से हम करवा के दिखाई तो लोग से सम्मान दोनों के रह जाई लेकिन नीतीश कुमार जी स्वीकृति देनी और कहनी के डेलीगेट के साथे हम अगुवाई करके लेके जाए दिल्ली ये बात भारतीय जनता पार्टी बुझ गई रहे और भारतीय जनता पार्टी तो जातीय जनगणना शब्द निकलते ओकरा देह में भीतर लहर फेंके लागल भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये बात लगातार रुआ याद हुई नित्यानंद राय के जो गृह राज्य मंत्री बाण बिहारे से बाण और ये मांग बिहारे से उठल बा देश के अलग अलग हिस्सा में एकरा विषय में चर्चा जरूर हो रहा बा और हर दल हर राज्य के लोग चाहता कि जातीय जनगणना हो जाए कारण कि जे जहाँ क्षेत्रीय दल बा खास करके क्षेत्रीय दल के अगर बात करी और कांग्रेस के तो मजबूरी बा कारण कि कांग्रेस के बात के पता बा कि बिना क्षेत्रीय दल के वो कहीं भी अपन सत्ता ना स्थापित कर सकेला ना वो अपन लड़ाई लड़ सकेला अब तो देशव्यापी एक गठबंधन बनावे के तैयारी चल रहा बा ऐसा में रुआ समझे राजनीतिक रूप से है बात के कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे उनका भी बात के प्रस्ताव गई दोनों हाथ से लपक के ले
नीतीश कुमार जी के कोनो पहिला हाली ना भइल रहा। नीतीश कुमार जी रणनीति और राजनीति के रूप में इतना परिपक्व नेता हवे कि एगो तीर से कई गो शिकार करेले और ये आंख से लौकत रहेला तबुर व मजबूर बानी घवाही होके कहती। भारतीय जनता पार्टी कई हाली घवाही भइल, लालू प्रसाद भी घवाही भइले, जीतन रामाजी घवाही भइले, के घवाही नहीं खेबइ। सब जना के कहीं ना कहीं खून रिसता नीतीश कुमार जी के तीर के छेद गई। बाकी तो ओकरा बावजूदो हैसे दबा के आ कुछ जना संगे रहे खातिर मजबूर बड़े। सबके मजबूरी बा, कारण कि पिछला कुछ वर्ष से यानी कि 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र के सत्ता में स्थापित कैलस अपन पावर सेक्टर, ओकरा बाद से जरूरत महसूस हो गई कि अब कुनबा में ना रहब तो तहनी के कुल आदमी समाप्त हो जाए जा। और एक खातिर जोड़ घटाव शुरू हो गई बा। यही जोड़ घटाव के नतीजा हो कि नीतीश कुमार जी जब 2020 में चुनाव परिणाम में उनका संगे घात भइल तो वही घर से बुझ ले रहन कि अब कैसे खेला रचे के बा। कारण कि उन्हें अलगे तेजस्वी यादव छान पघा तुरल रहन, वो कहत रहन कि हाँ और खूटा अलगे गाड़ाई रुआ देखल हो कि उपेंद्र कुशवाहा अलगे अपन कानी गैया के अलगे बथान वाला काम कैले रहन, एगो पप्पू यादव अलगे अपन सोती फोड़ले रहन। ये कुल के मिल करके कहीं ना कहीं ओकरा सबसे बड़का बात तो भइल कि चिराग पासवान सबसे ज़्यादा डैमेज कर दिले। कारण कि जहाँ जहाँ नीतीश कुमार रहन, देखी दुश्मन तो दुश्मन है ही है, लेकिन संघाती कहीं अगर दुश्मन हो जाए तो ज़्यादा घातक हो जाला। और जहाँ जहाँ हारल बड़े नीतीश कुमार ओजा ओजा रुआ देख ली कि बुरी तरह से करीब 30-32 गो ऐसा सीट बा जहाँ LJP बुरी तरह से प्रभावित कैले बा नीतीश कुमार के जीत के। अब ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार लगे दोसर कौन रास्ता रहला, और कहीं ना कहीं उनका यह मन में बैठल बा जबकि कहलहूँ रहन कि के दोस्त आ के दुश्मन रहला तो बुझाई पे ना कोई ओह बड़ा घात भइल। अब ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के जब जब मौका मिली जवाब देवे खातिर तो वह का बुझाता कि भारतीय जनता पार्टी के छोड़ दी हैं, सवाले नहीं है। एगो बढ़िया अवसर रहा नीतीश कुमार जी लगे ई प्रधानमंत्री के सामने अपन दरी बिछा के बैठल लोग के देखावे खातिर कि देखो हमारे संग कतना आदमी बारे। तनिको एने ओने भइल कि खेला गड़बड़ा देवे से, खास करके तेजस्वी यादव को जब साथे जाना जरूर भीतर खाना में कोनो ना कोनो ऐसा बात बा। रुआ देखले हो कब कि काफ़ी दिन से विधानसभा के सत्र जना घड़ी चलल तौना घड़ी से लेकर के अब तक ले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में जौन 36 रहला उ 63 हो गई बा। माने अब एक दूसरा से जितना ये लोग झंझावात कैले रहा लोग ओकरा में कमी आ गई बा। हालांकि दोनों के नेता लोग बोलता लेकिन दोनों आदमी एक दूसरा के हमला करे से चुप्पी सब ले बाले। रुआ देखले हो कब कि जब प्रधानमंत्री से डेलीगेट मिल के बाहर निकलल तो नीतीश कुमार जो बात कहे रहते तो कहले कहले कि बहुत बढ़िया बात पहला 40-45 मिनट हमी के बातचीत करनी जा, मैं लोग अपन अपन 11 लोग अपन अपन गिरिभान से रखल हा अपन अपन बात कहल हा, बड़ा ध्यान से सुननी है प्रधानमंत्री जी और यह बात के आश्वासन देनी है कि हम इस पर विचार करब। भाई में विचार करे के का सवाल रहल हा, करब ना करब, लेकिन राजनीति में ऐसा ना होके चीत अपट ना होके राजनीति पहले खिलावल जाला। जैसे देख लो कब ना वो गेना लेकर के खिलाड़ी जब जाला तो गोल पोस्ट भी जाके हेने से उन्हें छकावला, हेने से उन्हें छकावला, कभी होने पास दला, कभी होने पास दला, कभी फिर पीछे मार दला कि लोग सब लोग पीछे दल फिर आगे जा मार, माने गोल करे से पहले खूब छकावल जाला। कारण कि विरोधी भी तो तैयार बा, विरोधी के चकमा देवे के बा। अब नीतीश कुमार जी चकमा देवे के में पूरा पूरा एकदम आज सफल रहले हैं। बुझाइबे ना कहला प्रधानमंत्री जी के अभी जवाब का दी, वो जवाब अपना भिरी सुरक्षित रख ले है। जैसे कभी देख लो कभी कोर्ट उट में बहस हो जाला, जीरा हो जाला, कुल हो जाला तो जज कहले कि अब ये फैसला जो बात सुरक्षित बात फालना डेट में सुनावल जाए, लेकिन डेटो ना बतौले है, कहले है कि बहुत जल्दी हम एकरा पर विचार करब और वालों के फैसला बता दे। ये बात के लेकर के जब नीतीश कुमार जी यह बात पर बतौनी है कि भाई ये मामला जोन बा गंभीर जरूर बा, ऐसे देश के बहुत सारा चीज बेहतर तरीका से हुई, जातीय आंकड़ा जब पता चल जाए तो जाति में का स्थिति बा ओकरा के सुधारे में
सरकार के आगे बल मिली, आंकड़ा जब रही तभी न रुआ कुछ कर सकिले। ये सब बात के लेकर के जब तेजस्वी यादव एक बात बोले के सब शुरू कर लिया तो तेजस्वी यादव खूब बोल रहे हैं और कहले है कि एक में एको डेग पीछे हटे के सवाल नहीं खे। एक मतलब रुआ समझ नहीं, एक मतलब बाहर ही निकल के आहूल दिले है कि प्रधानमंत्री जी रुआ नट सेल में ना बतौनी है बात चित की पट तो रुआ बुझ ली कि रुआ नहीं करब तो जातीय जनगणना तो होइबे करी। और ये जातीय जनगणना के सवाल जोन बा 2022 के चुनाव से पहले इतना काहे रेला रेली भइल बा एकरा पर, इहो बात बड़ा गंभीर बा और सोचे वाला भी बा। कारण बा कि ई बात सोचे के जोन तरीका बा उ ऐसे आगे बढ़ रहल बा कि जैसे ही ई बात रुआ सोचब तो सबसे बड़ा राज्य बा उत्तर प्रदेश जोन में चुनाव बा और चुनाव से पहले अगर इस तरीका के हंगामा ना कही जाए तब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मानी ना ना मानी तब तो हूँ चीता पट दोनों हमनी के हाथ में रही। दूसरा तरफ कहीं ना कहीं ये सारा बात के लेकर के जीतन राम मांझी भी अपन बात रखले है, वो ही बात कहले है कि बातचीत बड़ा बढ़िया से भइल है और ये बात समझ में आई है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के सकारात्मक रवैया बा। कांग्रेस भी बात कहल था कि पिछलका सारा बात के भुला जाए, 2011 में हमने करौले नहीं है रुआ, 14 में इंद्र महाराज प्रकाशित ना होके देनी, लेकिन वो बात के हमी के चर्चा नहीं कीजिए करब जब तक ले कांग्रेस रहा 31 तक ले करावत रहनी हमने के। ओकरा बाद जब रुआ लगे मौका आइल बा देश के जनता रुआ के चुन के भेजले बा गद्दी पर तो रहा फर्ज बनता कि देश के जनता खातिर जो सुविधाजनक होके जो उनका फायदा के चीज होके तो रुआ करी, ऐसे जातीय जनगणना रुआ करवाई। वाम दल के नेता भी बोल रहे हैं, मुकेश सहनी भी बात के कहले हैं कि निश्चित रूप से अपना समाज के लोग के भी कहले हैं कि रुआ लोग खाती हम आइल बनिए जा और जातीय जनगणना हो गया से हमरो पता चल जाए कि हमारा जाति के लोग कितना बा, वो लोग खाती का व्यवस्था करे के बा। अब ये सारा बात के लेकर के जातीय जनगणना तो बहाना रहल है, लेकिन ये बहाना में कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुट जा जौन रुआ लोग से लगातार हम कह रहा बनी कि G23 के जौन मीटिंग और बैठक चल रहा बा वो बैठक में नीतीश कुमार जी सदेह या फिर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से वो में शामिल ना होते रहे हैं, लेकिन आज जातीय जनगणना के बदौलत ये बात बुझा गई है कि 10 गो दल होकर लेकिन एकजुट होकर के प्रधानमंत्री के यानी भारतीय जनता पार्टी के ये कहे खातिर गए रहे हैं कि भाई तू गलती करता रह तरह से गलती अपन सुधारे के पड़ी, जातीय जनगणना करावे के पड़ी, हमने के एकजुट बनी जा। एक मतलब कि अगुआ नीतीश कुमार बन रहे हैं और यह बतवा हम बहुत पहले से कहता नहीं कि G23 के लोग भी नीतीश कुमार के अगुआ बनावल चाहता तो गलती का कहता नहीं। बिहार एक बार फिर से यह देश के राजनीतिक दशा दिशा पर अपन विचार रख दे बा, आगे डेगा पाही डाल दे बा, मजबूत खूंटा गाड़ दे बा। अब खूंटा पर देश भर के जितना राज्य बाड़े जितना दल बाड़े कुल आई हैं और जातीय जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा बनी। रुआ देख ले कि 2022 से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना खातिर निर्देश नहीं देत आदेश नहीं पारित करत तो निश्चित रूप से एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हुई और भारतीय जनता पार्टी के बैकफुट पर जाए के पड़ी और नीतीश कुमार जी अगुआ बनी है। ये पूरा विश्लेषण में आज रुआ लोग के जो बात रहा वो बात के ले आकर के ओसा फटक के रुआ लोग के सामने रख देनी। रुआ का सोचता नहीं है विषय पर ये बात पर जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखब सब है। संगे संगे एगो और निहोरा बा कि 10 लाख परिवार के सदस्य हमने के होके जा रहल बन जा, बस ये परिवार के बढ़ौला के मोल बा। एक तरफ जहां देखा नहीं कि जनसंख्या घटावे के बात हो रहल बा, जनसंख्या पर नियंत्रण होके के बात हो रहल बा, तो उन्हें घटाई सब है इन्हें बढ़ाई सब है। फिर कल भेंट हुई यही ठेहा पर जना के नाम खुटा ठोक के गोल लागत नहीं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।